मेरा नाम आयशा है। आई एम अ ग्रेजुएट एंड अ ब्यूटिशियन वर्क्स इन पार्लर। दुनिया की तमाम बेटियों की तरह मेरे भी माँ बाप ने मेरी पैदाइश पर कहा था, अल्लाह नसीब अच्छे करे हमारी बेटी के। जब छोटी थी तो ये बात सुन सुनकर समझ नहीं आती थी। हाँ, लेकिन जब बड़ी हुई तो ये बात समझ में आई कि आपका अच्छा या बुरा नसीब आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं जो पार्लर में दुल्हन को सजाने सवरने में इतनी मसरूफ हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा नसीब मेरा लक कितना बुरा कितना अगली होने वाला है। मैं कितनी बड़ी बदनसीब साबित होने वाली हूँ। कैसे? तो जनाब, इसके लिए आपको मेरे साथ कुछ 2 साल पहले चलना होगा। बात है 2019 की। यही लॉकडाउन के पहले मेरी शादी का दिन मेरी सहेलियां ढोल ताशे बजाकर नाच गाकर मुझे मेरी आने वाली जिंदगी के लिए दुआएं दे रही थी। बहुत खुश थी वो सब। बहुत चहल पहल की सुबह से बेटी की सपनों की सरेआम बोली जो लगने वाली थी। वही पास में बैठी मेरी फूफू खुशी से लाल हुई पड़ी थी। अब आप लोग ज्यादा खुश होकर मेरी फूफू को दुआएं देने मत लग जाना। वो खुशी से लाल इसलिए हुई पड़ी थी कि मैं शादी कर विदा होकर अपने हस्बैंड के यहाँ जाने वाली थी। उनको मरूम भाई यानी मेरे पप्पा को आखिरी वक्त में दीवी कसम से आजादी जो मिल जाएगी। भाई जान, आयशा की जब तक शादी नहीं करवा लूंगी मैं भी रुख्सत होके अपने मियाँ के यहाँ भी नहीं जाऊंगी। अब मुझे लाल जोड़े में देखकर मानो उनको भी शाकिर फूफा के पास जाने का दुबई का वीजा ही मिल गया। लेकिन दूल्हे की माँ ने 20 किलो सोना और एक मोटर बाइक की फरमाइश कर दी। ये बात सुनकर फूफू तो हत्थे से उखड़ गई और फौरन कहा, अरे अरे 40 किलो सोना तो दे ही रही हूँ, वो भी 24 कैरेट। दूल्हे की माँ खुश हुई थी कि फूफू ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, ये लो भाई आपका 40 किलो खरा सोना, आप अपने बेटे की शादी करने लिख लो या उसे बेचने। हाँ, फिर वही हुआ। ये सुनकर फिर दूल्हे की माँ ने भी कहा, अरे अरे हमारे बेटे की भी कम्युनिटी में बड़ी इज्जत है, बैंक में तो मैनेजर है मैनेजर, रिश्तों की तो लाइन लगी है लाइन, और वो भी हमारी शर्तों पर। फूफू भी खैर का चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी ये फौरन कह के बात खत्म कर दी, अरे अरे इस लंगूर की शक्ल के लिए मैं तो 20 रुपए तक ना दूं, जाइए जाइए अपना बेटा कहीं और ही बेचिए। हाँ, फिर